क्या बात है, सोच क्या रहे हैं? जब से बच्चे बड़े हुए हैं हम दोनों ने बाहर जाकर कभी खाना नहीं खाया, समय ही नहीं मिला। तुम्हें याद है जब हम गांधीनगर में रहते थे, राहुल थर्ड स्टैंडर्ड में था, हम एक रेस्टोरेंट में जाकर अक्सर बाहर खाना खाया करते थे। रेस्टोरेंट का नाम था विवेक रेस्टोरेंट, याद है ना? अच्छी तरह से याद है, मैं कैसे भूलूंगी उन दिनों को। क्यों ना हम लोग साथ जाकर वहां खाना खाएं और फिर मुझे तुमसे एक खास बात करनी है। खास बात? ऐसी क्या खास बात है? यहां नहीं, वहीं पर। विभा, शाम को 7 बजे रेस्टोरेंट में आ जाना, विवेक रेस्टोरेंट, भूलना मत। कैसे भूलूंगी बाबा, जरूर आ जाऊंगी। पक्का? पक्का। बाय बाय बाय। वो कौन सी बात हो सकती है जो महेश मुझे शाम को डिनर पर बताने वाले हैं? आखिर वो बात क्या हो सकती है जो महेश बच्चों के सामने नहीं बता सकते? महेश महेश, आई एम सो सॉरी, मुझे देर। इट्स ओके, इट्स ओके। बताइए भी ना क्या बात है, मैं दिन भर परेशान रही ये सोच सोच कर कि ऐसी कौन सी बात हो सकती है जो आप मुझे यहाँ रेस्टोरेंट में बताना चाहते हैं। विभा, तुम्हें याद होगा बहुत साल पहले मैंने तुम्हें एक लड़की से मिलाया था, दीपिका। कहा था कि मेरे ऑफिस में काम करती है। उस रात को हम डिनर पर जाने वाले थे, याद है? विभा, ये दीपिका है। हाय। मेरे साथ ही ऑफिस में काम करती है। एंड दीपिका माय वाइफ, विभा एंड माय बेटर हाफ। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। मुझे भी। चलें। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं एकदम भूल ही गया था, आज हमारी एक जरूरी बिजनेस मीटिंग है, हम दोनों वहीं जा रहे हैं। हमें अपना डिनर का प्रोग्राम किसी और दिन रखना पड़ेगा विभा। इट्स परफेक्टली ऑलराइट। कब तक लौटेंगे आप? आज तो देर हो जाएगी क्योंकि मीटिंग के बाद ही हमारा डिनर है। सॉरी तुम्हें अकेले जाना पड़ रहा है। इट्स ओके, इट्स ओके, परफेक्टली ऑलराइट। बाय। ओके, बाय बाय, सी यू लेटर। सी यू टुडे। आदि पे चले। हाँ, याद है आपने कहा था कि आपके ऑफिस में काम करती है वो दीपिका। हाँ, दरअसल वो दीपिका का पूरा इंट्रोडक्शन नहीं था। क्या मतलब? मैं पिछले 14 साल से दीपिका को बहुत चाहता हूँ। उसके प्यार में मैं दीवानगी की हद तक पार कर गया हूँ विभा। विभा, विभा, हाँ कहो, मैं सुन रही हूँ। अगर कहने के लिए कुछ और बचा है तो कह डालो। विभा, मैं जानता हूँ कि ये सब कहकर मैं तुम्हारे साथ कितना अन्याय कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैंने दीपिका के साथ शादी नहीं की तो उसके साथ और भी बड़ा अन्याय होगा। वो 14 साल से मेरे साथ शादी के सपने देख रही है। तुम्हें यहां इसलिए बुलाए कि बताने के लिए कि मैं आज से उसके साथ रहूंगा, हमेशा के लिए। मुझे माफ कर दो विभा, मुझे माफ कर दो विभा, विभा। मम्मी, कुछ तो ऐसा है जो आप हमसे छिपाने की कोशिश कर रही हैं।
कहीं आपको पापा से झगड़ा तो नहीं हुआ जो आजकल घर भी नहीं आ रहे? क्या बात है मम्मी, आप प्लीज बताइए ना। बेटा, तुम्हारे पापा ने उनके ऑफिस के ही एक लड़की से शादी कर ली है। आओ विभा। ये हमारा घर है? बिल्कुल, ये ड्राइंग रूम है, अंदर दो मास्टर बेडरूम, वहां किचन भी है और एक्स्ट्रा टॉयलेट भी। अब बाबा पर्दों के लिए मुझे माफ करना, मैंने तुमसे बिना पूछे लगा लिया, बाकी फर्नीचर तुम्हारा काम। कैसा लगा घर? मैं बहुत खुश हूँ। मम्मी ये चिट्ठी किसकी है? दिखाओ बेटा। अरे ये तो नानी की चिट्ठी है। विभा, मैं तुम्हें आखिरी खत लिख रही हूँ, अगर तुम्हें लगे तो जवाब देना, जो मैं जानती हूँ कि तुम नहीं दोगी। विभा, मुझे ये भी याद नहीं कि मैंने तुम्हें आखिरी बार कब देखा था। देखो, मेरी बातों का बुरा मत मानना, अगर ये सब बातें नहीं कहती तो अफसोस रह जाता कि मन की बात नहीं कही। उर्मिला, ये क्या हुआ? इतनी नाराज है आप मुझसे? इतने क्या गिले शिकवे माँ? खत के आखिर में दो शब्द लिख लेती, तुम्हारी माँ उर्मिला। वो तुम्हारी सहेली है ना रंजना, बॉम्बे आई हुई है। रंजू, वो कैसे मुंबई पहुंच गई? आपको किसने बताया? 3 बार उसका फोन आ चुका है और जब तुम फोन पे नहीं मिली तो तुमसे मिलने यहीं आ रही हो। कोई बहाना बनाकर टाल देते ना आप। 10-15 दिन डेरा लगाकर रह गई तो हमारे लिए कितनी मुश्किल होगी। वो आएगी तो बस थोड़ी देर उससे बातें कर लेंगे, फिर कोई बहाना बनाकर चले जाएंगे। रंजू, मैं देखती हूँ। हाय विभा, कैसी हो तुम? कितने फोन किया मैंने तुम्हें, कहाँ गई थी इतनी देर से? मैं वो आओ ना। नमस्ते जीजा जी। नमस्ते, कैसी हो रंजना? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक हूँ, प्लीज बैठो ना। बैठो ना। विभा, अक्सर तुम्हारे बारे में बातें किया करती हूँ, और क्यों ना करें, आखिर बचपन की सहेलियां हो तुम दोनों। बिल्कुल गलत कहा इसने, मैं इसकी सहेली नहीं, मैं तो इसकी बहन हूँ। तुम ऐसे समय पर आई हो कि मैं बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रही हूँ, क्योंकि हम लोग तुम्हारे साथ बैठकर एक कप चाय भी नहीं पी सकते। क्यों? दरअसल बात यह है, इनके एक चचेरे भाई के लड़के की शादी है, बच्चे वहीं पर हैं, हम लोग भी वहीं पर निकल रहे थे लेकिन तुम आने वाली थी इसलिए रुक गए। मैंने बड़े गलत समय में आकर आपको परेशान किया ना जीजा जी, लेकिन अगर ये बात आप मुझे फोन पर ही बता देते तो मैं यहाँ नहीं आती ना। कोई बात नहीं, मैं चलती हूँ। रंजू, बुरा मत मानना प्लीज। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ओके जीजा जी, बाय बाय। विभा, बहुत गुरूर था ना तुम्हें महेश पर, उसकी दौलत पर। उस दौलत के पीछे तुम इंसानी रिश्ते नातों को भी भूल गई। वो महेश जिसे तुम अपना हमसफर समझती थी, अपने हर सुख दुख का साथी मानती थी, आज कहाँ है वो? ला सकते हो उसे वापस? वही महेश जिसने तुम्हारे साथ जीने मरने की कसमें खाई थी, ला सकते हो उसे वापस?
मम्मी ये कंचन है, मेरे कॉलेज की दोस्त है। हम लोगों ने ग्रेजुएशन एक साथ ही की थी। हाय आंटी। हेलो बेटा। आंटी आई वुड लाइक टू हैव कॉफी इफ यू डोंट माइंड। राहुल सपोज वी गेट मैरिड तो क्या हमें इस घर में रहना पड़ेगा? ऑफ कोर्स। और कहाँ जाएंगे? राहुल तुम्हें नहीं लगता ये घर उस घर से बहुत छोटा है जिसकी हमने कल्पना की हुई है? कंचन मैं मानता हूँ कि तुम्हारी कल्पना के हिसाब से ये घर बहुत छोटा है। तुम्हें शायद तुम्हें ये नहीं मालूम कि सीमा की शादी के बाद इस घर में सिर्फ हमें और माँ को रहना है, तब शायद तुम्हें ये घर छोटा नहीं लगेगा। तुमने डैडी का मर्डर लैंड वाला बंगला तो देखा है ना? हाँ हाँ, क्यों? क्या ये हो सकता है कि शादी के बाद यहाँ रहने की जगह हम उस बंगले में रहें? ठीक है राहुल, लेकिन एक बात तो तय है, मम्मी माने या ना माने हमें शादी के बाद रहना तो उसी बंगले में है। ओहो, पहले शादी तो हो जाए। अपनी इस हालत के लिए शायद तो खुद ही जिम्मेदार है विभा। तूने महेश के लिए अपने परिवार, अपने सभी रिश्तेदार, यहाँ तक कि अपने बचपन की सहेली रंजना को भी छोड़ दिया। हेलो रंजू, मैं विभा। अरे विभा, अरे तुम इतने दिनों बाद फोन किया। माँ दादी माँ देखो तो अपनी विभा का फोन है मुंबई से, जल्दी आओ। बड़े बरसों बाद फोन किया है तूने। कैसी है ऋतु? तो ऐसा कर, कल की गाड़ी से आ जा, मैं तुझे लेने स्टेशन पर आऊंगी। और माँ की तू चिंता मत करना, हाँ वो तुझसे नाराज जरूर है पर है तो तेरी माँ ना, हम उनको मना लेंगे। तू जल्दी से आ जा बेटा, तू जल्दी से आ जा, तुझे देखने के लिए तरस रही हूँ मैं बेटा। हाँ दादी माँ, मैं आऊंगी, मैं जरूर आऊंगी, मैं आऊंगी। विभा, शायद ये तेरी एक और परीक्षा है।